बच्चों, आज पाठ मापन तथा बीमीय विश्लेषण से हम बात करेंगे कि अगर हमें बड़ी दूरियां नापनी हो तो बड़ी दूरियां नापने की कौन कौन सी विधियां हैं, हम किस प्रकार बड़ी दूरियों का मापन कर सकते हैं। बच्चों, बड़ी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास चार विधियां होती हैं। पहली कहलाती है प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि या इको विधि। दूसरी कहलाती है सोनार विधि। सोनार संक्षिप्त रूप है, इसका पूरा नाम होता है साउंड सोनार, SONAR सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को संक्षिप्त में बोलते हैं सोनार। तीसरी विधि होती है लेसर। लेसर विधि में, लेसर भी संक्षिप्त नाम है LASER का, पूरी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बच्चों, ये संक्षिप्त नाम की फुल फॉर्म पेपर्स में लिखने के लिए आ जाती है। और चौथी विधि है रडार विधि। रडार को का फुल नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बच्चों, हम पहली विधि की बात करते हैं प्रतिध्वनि विधि की। जैसे आप मान लो किसी पहाड़ी के सामने खड़े हैं और आप पहाड़ी की तरफ किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न करें, तो जब आप ध्वनि उत्पन्न करके करेंगे तो आपको वही ध्वनि लौटकर पुनः सुनाई देती है। जैसे कि एक बड़े बंद कमरे में आप आवाज़ लगा दो तो आपकी आवाज़ गूंजती है, जैसे कहते गूंज, तो उसमें क्या होता है ध्वनि तरंगें किसी दीवार पर जाके टकराती हैं और टकराकर जब वापस आती हैं तब आपको दोबारा वही ध्वनि सुनाई देती है। तो जब दोबारा ध्वनि सुनाई देती है तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो आप जैसे मान लो किसी पहाड़ी के सामने खड़े हो, सपोज करो ये पहाड़ी है और ये मान लो आपका ध्वनि स्रोत है, तो यहाँ से जब ध्वनि उत्पन्न करोगे तो ध्वनि तरंगे इस तरह जाके पहाड़ी पर टकराएंगे और टकराकर यहाँ से जब वापस लौटेगी यहीं पर, तब आपको रिटर्न ये ध्वनि सुनाई देगी। अब आप ये चाह रहे हो कि ये देखना कि ध्वनि स्रोत से जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से हमने ध्वनि उत्पन्न करी है, वहाँ से पहाड़ या पहाड़ी की दूरी कितनी है। तो इसके लिए मान लो जैसे पहाड़ी की दूरी डी है, ध्वनि स्रोत से पहाड़ तक की दूरी डी है, तो डी दूरी पहले देखो ध्वनि चल के जाएगी पहाड़ तक, फिर टकराकर जब ध्वनि वापस लौटेगी तो डी ही दूरी ध्वनि को वापस आने में लगेगा, ठीक है। तो ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी ये हो गई दूरी। ध्वनि की चाल मान लो वी है। बच्चों, ध्वनि की चाल वैसे तो सामान्य ताप पर 0°C पर लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। 0°C पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर हम ताप में 1°C की वृद्धि कर दें, ताप में अगर 1°C की वृद्धि कर दें तो ध्वनि 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आप जिस स्थान पर ये प्रैक्टिकल कर रहे हो दूरी निकालने के लिए, उस स्थान पर पहले आपको उस स्थान का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। और टेम्परेचर थर्मामीटर से, जैसे मान लो थर्मामीटर है, आपने थर्मामीटर दीवार में का हम टेम्परेचर निकालें अपने घर का, तो थर्मामीटर को दीवार से हम सटाकर 2 या 3 मिनट के लिए रोक देंगे तो उसमें जो पारा होगा वो जितनी हाइट पर चढ़ जाएगा वो दिखा देगा कि इस समय मौसम का ताप कितना है, ठीक है। सपोज करो कि इस समय मौसम का ताप जैसे 22°C आ गया, इस समय मौसम का ताप मान लो 22°C है,
तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर 0.6 मीटर पर सेकेंड चाल बढ़ती है, तो 22 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी बढ़ेगी? तो 0.6 की 22 से गुणा कर दोगे, मालूम पड़ जाएगा कि 22 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी बढ़ी। तो ये इस तरह हम निकाल सकते हैं चाल में वृद्धि कितनी हुई। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर चाल बढ़ती है 0.6, तो मान लो ताप 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री पर कितनी वृद्धि होगी? तो 0.6 गुणा 22, और जो आंसर आएगा उसको 332 में जोड़ दोगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि उस समय ध्वनि की चाल कितनी है। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि ध्वनि की चाल जो आप निकालना चाह रहे हो उसको तो ऐसा करके भी लिख सकते हो, 332 प्लस 0.6 × t। ये फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, जिसमें टी उस समय मौसम का ताप है। मौसम का ताप बच्चों अलग अलग जगह पर बदलता रहता है, इसलिए ध्वनि की चाल भी अलग अलग स्थानों पर बदलती रहती है। तो यहाँ ताप का मान, इस फॉर्मूले में ताप का मान जो भी हो वो यहाँ लगाकर ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टेम्परेचर है मौसम का उस समय ध्वनि की चाल कितनी है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको निकालना होगा ध्वनि को जाने और आने में लगा समय। समय हम मान लेते हैं टी है, लेकिन ये कैसे निकालोगे? दूरी बाद में फॉर्मूला बताएंगे निकालने का, पहले आप जिस स्थान पर ध्वनि की चाल, जिस स्थान पर किसी पहाड़ी की दूरी निकालना चाह रहे हो, पहले उस स्थान का टेम्परेचर निकालोगे। टेम्परेचर निकालने से आप उस स्थान पर ध्वनि की चाल भी निकल आएगी, टी का मान सूत्र में लगाने से। ठीक है, इसके अलावा समय निकालने के लिए कि ध्वनि को जाने और आने में कितना समय लगा, इसके लिए फिजिक्स प्रैक्टिकल की लैब में एक यंत्र आता है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने ध्वनि उत्पन्न करी तो तुरंत स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दोगे, और जब ध्वनि आपको रिटर्न सुनाई दे तो स्टॉप वॉच को रोक दो। तो रोक देने पर मालूम पड़ जाएगा कि उसकी वॉच की जो घड़ी है, विराम घड़ी हिंदी में कहते हैं, विराम घड़ी स्टॉप वॉच को, तो उसकी सुई कितने सेकंड आगे बढ़ी। वो जितने भी सेकंड बाद आपको ध्वनि सुनाई दे वो आपका समय हो गया। अब समय निकालने के बाद दूरी कैसे निकालेंगे? तो हमने सूत्र लगाया दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी 2d, ध्वनि द्वारा तय दूरी चाल v, और समय t। तो d बराबर सूत्र हो गया v गुणा t बटे। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना पहाड़ी की दूरी t बराबर v गुणा t बटे 2, इस सूत्र में हम ध्वनि की चाल v का मान, t आपके समय जाने आने का। ठीक है, यहाँ ऐसा करो टेम्परेचर को भी हम टी से दिखाते हैं, समय को भी टी से दिखाते हैं, तो टेम्परेचर को आप सी से दिखा दो यहाँ। तो जो टेम्परेचर का मान है वो सी से लगा दो, समय का मान जो जाने आने का लगता है वो विराम घड़ी बताएगी, वो टी का मान समय का मान यहाँ लगा दो। इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जिस स्थान पर खड़े थे उस स्थान से पहाड़ी जिस स्थान की आप दूरी निकालना चाह रहे हैं वो दूरी कितनी है। बच्चों बात करते हैं सोनार विधि। सोनार विधि का प्रयोग बच्चों, साउंड नेविगेशन का प्रयोग हम समुद्र की गहराई निकालने में करते हैं। जैसे कोई पनडुब्बी है, पनडुब्बी पानी के अंदर कितनी गहराई पर है, या समुद्र का जो तल है वो कितनी गहराई पर है, ये निकालने में करते हैं। तो करते क्या है बच्चों, जो जो पानी में जहाज जा रहा है उस पर साउंड नेविगेशन लगाते हैं, और ये नेविगेशन जो होता है साउंड का, ये पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है। ये नेविगेशन पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है। तो जहाज जो पानी के तल पर, ऊपरी तल पर तैर रहा है, उसे हम पराश्रव्य तरंगे पानी के अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, अब पानी के अंदर जब तरंगे जाती हैं, तो जैसे आप मान लो समुद्र के तल की गहराई निकालना चाह रहे हो, तो इसका सिद्धांत बिल्कुल प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले क्या होंगी, पराश्रव्य तरंगें आपकी जमीन तक जाएंगी। जैसे मान लो आपका जहाज यहाँ है, ये ऊपरी तल है समुद्र का, ये मान लो निचला तल है। अब यहाँ से आपने ये पराश्रव्य तरंगें छोड़ी तो ये नीचे तक जाएंगी, फिर लौट कर रिटर्न होकर ऊपर तक आएंगी। नीचे तक जाने में मान लो डी दूरी तय करी, ऊपर तक आने में भी डी दूरी तय करेगा, तो कुल तय दूरी तरंगों द्वारा वही 2d, d
डी नीचे जाना, डी ऊपर आना। तरंगों की चाल भी मान लो, पराशर तरंगों की चाल जैसा पैदा भी है। ये बच्चों जल में पराशर तरंगों की चाल वी का मान 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय कितना समय लगेगा जाने और रिटर्न आने में, तो भले समय आप विराम घड़ी से निकालोगे, ठीक है, विराम घड़ी आपके जाने और आने का समय बताएगी। तो अब सूत्र क्या बना, देखो भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय से, तो दूरी त्रुटि चाल भी समय की त्रुटि बराबर रही वी गुणा टी बटे। तो सूत्र बच्चों वही है, क्योंकि परावर्तन जो ध्वनि का हो रहा है, परावर्तित तरंगे हो रही हैं, ये जो प्रतिध्वनि है वही सिद्धांत पर आधारित है सोनार विधि। बस फर्क ये है कि प्रतिध्वनि विधि में हम ध्वनि का यूज करते हैं जिसकी चाल 0°C पर 332 मीटर पर सेकंड है। सोनार विधि में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, सिद्धांत फॉर्मूला सेम है, बस पराश्रव्य तरंगों की चाल बदल जाएगी, 1450 हो जाएगी। और समय का मान आप वही विराम घड़ी का निकालोगे, और समय का मान और चाल का मान इस सूत्र में लगाकर हम ये देख सकते हैं कि समुद्र का तल कितनी गहराई पर है, या आप पनडुब्बी की गहराई निकालना चाह रहे तो बात वही है कि पराश्रव्य तरंगों को पनडुब्बी भी गिराओगे, तो पनडुब्बी भी गिराओगे वो रिटर्न होकर वापस लौटेंगे, तो बता देगी पनडुब्बी कितनी गहराई पर। तो इस तरीके से हम सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। इसी के अलावा अब दो हमारी विधियाँ बचती हैं बच्चों, लेसर विधि और रडार विधि। इनके सिद्धांत समान हैं बच्चों। लेसर विधि में क्या करते हैं कि लेसर विधि का प्रयोग होता है पृथ्वी से आकाशीय पिंडों की दूरी निकालने के लिए। जैसे पृथ्वी से देखना है सूर्य कितनी दूर है, या पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, या मंगल ग्रह कितनी दूर है, इसको निकालने में हम लेसर विधि का प्रयोग करते हैं। लेसर विधि में क्या होता है बच्चों की ये एक दिशा में चलने वाला प्रकाश पुंज है लेसर, और ये एक सीधी रेखा में प्रकाश फैले बिना फैलता नहीं है लेसर का प्रकाश, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है और ये सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। तो प्रकाश मान लो आपने यहाँ से नए पृथ्वी है, और मान लो यहाँ ये चंद्रमा है, अब आप ये आकाशीय पिंड की दूरी निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ से लेसर किरण जब छोड़ोगे तो लेसर किरण जाके चंद्रमा पर टकराएगी और रिटर्न होकर वापस आएगी। अब मान लो ये डी दूरी जाने की और डी दूरी आने की, तो लेसर द्वारा कुल तय दूरी लेसर की चाल, लेसर बच्चों प्रकाश किरण पुंज है तो ये प्रकाश की चाल से चलता है, और प्रकाश की चाल को हम बी से बल्कि सी से दिखाते हैं, जिसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये निश्चित मान है, और जाने और आने का समय है, समय आप वही विराम घड़ी से निकालोगे और सूत्र वही रहेगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी त्रुटि चाल सी और समय टी, तो बी बराबर सी गुणा टी बटे। तो बच्चों सिद्धांत वही है पिछले दो विधियों का, सूत्र भी लगभग वही है, बस फर्क ये है कि हम ध्वनि की चाल और पराश्रव्य तरंगों की चाल को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि मान ध्वनि की चाल का अलग है, पराश्रव्य तरंगों की चाल का मान अलग है, और हम प्रकाश की चाल को बी की जगह सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका भी मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ सी का मान लगाओगे, विराम घड़ी से समय का मान ज्ञात करके लगाओगे, और इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाकर हम लेसर विधि से निकाल सकते हैं कि जो चंद्रमा या जो भी आपका आकाशीय पिंड है वो कितनी दूर है। समान सिद्धांत समान फॉर्मूला पर अब डिपेंड है रेडियो रेडार तरंग, जिसमें हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। रडार का सिद्धांत बिल्कुल लेसर के समान है, जो सूत्र हमने लेसर विधि में इस्तेमाल किया है डी बराबर सी सी इंटू डी बटे, तो वही रडार विधि का है। रडार विधि में बच्चों इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में रडार का प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लो किसी दूसरे देश का कोई हवाई जहाज है वो आपकी सीमा के अंदर आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, तो आप रडार से अपशब्द तरंगे छोड़कर सॉरी रेडियो तरंगे छोड़कर ये देख सकते हो कि वो आपसे कितनी दूर है, कितनी मतलब आपसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है या आपसे कितनी दूर है।
तो आप वही सेम सिद्धांत है कि आप रेडियो तरंगे छोड़ोगे और रेडियो तरंगे जो आकाश में होंगी वो चारों दिशाओं में फैलेगी, और जो भी रेडियो तरंग आकाश में जाएगी चारों दिशाओं में फैलेगी। जैसे मान लो ये रडार है, अब यहाँ से इसने ये तरंगे चारों दिशाओं में अपनी फैला रहा है, ठीक है। अब यहाँ कोई मान लो ये जहाज था, यहाँ पर जहाज है कोई, तो यहाँ से जब रेडियो तरंग जहाज से जाके टकराएगी तो यहाँ से ये रिटर्न होकर वापस आएगी, तो रिटर्न होकर जब वापस आएगी तो यहाँ रडार का सिग्नल मिल जाएगा कि इसका मतलब आकाश में कोई चीज उड़ रही है, और वो उड़ रही है और कितनी दूर है। दूरी निकालने के लिए भाई लेसर का सिद्धांत काम करेगा, क्योंकि ये आपने जो रेडियो तरंगें छोड़ी हैं वो रेडियो तरंगें भी प्रकाश की चाल से ही चलती हैं, तो सूत्र वही काम आएगा, डी बराबर सी गुणा टी बटे दो, इसी सूत्र से काम चलेगा। इसमें भी रेडियो तरंगों की चाल भी प्रकाश की चाल के बराबर होती है, समय वही ग्राम घड़ी बताएगी कि कितनी देर बाद तरंगें लौटकर आएंगी, वो समय का मान लगाओगे, प्रकाश की चाल का मान लगाओगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि आकाश में उड़ता हुआ वायुयान आपके रडार से कितनी